है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लड़कियों से जो कि हमेशा लड़कों की बराबरी करना चाहती हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो कि हमेशा चाहती हैं कि वो लड़कों की बराबरी करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां समझती हैं कि हम अपने पहनावे से, अपने एटीट्यूड से कई बार पुरुषों से आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहनावे से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। बल्कि मैं और ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम कपड़े पहन के, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के पुरुषों की बराबरी करने की कोशिश करती हैं। उसकी जगह पर पुरुष जो होते हैं वो पूरे कपड़ों में रहते हैं। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होता है जो कि आधे कपड़े पहन करके घर से बाहर निकले, जबकि लड़कियों को इस चीज़ का बहुत वो रहता है कि वो आधे कपड़े पहन करके और घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत मॉडर्न है, वो अपना अंग प्रदर्शन करके और वो मॉडर्न बनने की कोशिश करती हैं। ये कौन सा मॉडर्न होने का तरीका है कि आप कपड़े ही उतार दें, जबकि एक पुरुष कभी भी कपड़े उतार करके बाहर नहीं घूमता है, वो अपने पूरे तन को ढक करके बाहर जाता है। मैंने कई बार ऐसी लड़कियों को देखा है कि जो कॉन्फिडेंस में रहती हैं बहुत ज़्यादा, कि नहीं मुझे किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पर भी अगर वो जा रही हैं तो वो अच्छे से ड्रेसअप होकर के ना जाके बल्कि आधे कपड़े पहन के जा रही हैं। मेट्रोज़ वगैरह में देखिए एंड बाहर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखिए तो लड़कियों के कपड़े देख करके ही हंसी आती है और लगता है कि ये कहाँ से मॉडर्न है। अगर कपड़े उतारने से ही हर इंसान मॉडर्न हो जाए तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न तो जानवर है जो कि बिना कपड़ों के घूमते हैं। तो ये बेवकूफ़ी कभी भी किसी भी लड़की को नहीं करनी चाहिए कि मॉडर्न बनने के चक्कर में कपड़े ही उतार दी। अगर आप मॉडर्न बनना ही चाहती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपना ज्ञान को बढ़ाने की, मैच्योरिटी लाने की अपने अंदर, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाने की, अपना IQ लेवल बढ़ाने की। अगर आपका IQ लेवल अच्छा होगा, आपका ज्ञान अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी पुरुष को हरा सकती हैं, लेकिन आप अपने कपड़े उतार करके किसी को हरा नहीं सकती हैं। अगर पुरुष कोई भी कमेंट करते हैं आपके पहनावे को लेकर के, आपके कपड़ों को लेकर के, तो आप लोगों को बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है कि आपके ड्रेसिंग सेंस पे किसी ने उंगली क्यों उठाई, आपके कपड़ों को लेकर के कोई क्यों इतना वो कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। अगर आप आधे कपड़े पहन के घूमेंगी तो लोगों को कहने का मौका ऑब्वियसली मिलेगा, ऑब्वियसली वो लोग आपके बारे में कमेंट करेंगे, आपके ऊपर आपके बारे में बातें करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप आज भी अभी भी भारत में हैं एंड इंडिया में अभी भी इतना ज़्यादा मॉडर्न प्रचलन नहीं चालू हो गया है कि इतना ज़्यादा मॉडर्न लोग नहीं हुए हैं, उनकी सोच इतनी मॉडर्न नहीं है कि वो बिकनी पहन करके लड़कियों को देखें और फिर भी कमेंट ना करें। इसलिए अगर आपको इस तरह का पहनावा चाहिए ना, तो उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पहले अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है एंड उस हिसाब से आपको तो किसी फॉरेन कंट्री में रहने की ज़रूरत है। आप इंडिया में रहने के लायक ही नहीं है इसका मतलब। और ये तो हम लोगों ने पहले ही सुना है कि जैसा देश वैसा भेस, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, आप अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हैं, आपको लगता है कि इंडिया में रह करके फॉरेन कंट्री के जैसे आप अपने ड्रेसिंग सेंस रखेंगी और इंडिया के लोग आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही देंगे, आपको देख करके वो कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेंगे, आपको देख करके वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है। इंडिया में आज भी लोग पिछड़े सोच के हैं और आज भी लोगों के अंदर ये चीज़ है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं कि उनकी बहू बेटियां इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रखें, उनको नहीं अच्छा लगता है। भले ही वो आपसे डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं बोलते हैं, आपके घर वाले हो सकता है कि आपसे डरते हों, क्योंकि कई बार लड़कियां इस तरह की बहसबाजी पे उतर आती हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा जवाब देने लगती हैं अपने पेरेंट्स को या फिर अपने घर वालों को, जिसकी वजह से वो आपसे बोलना बंद कर देते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप क्या पहन रही हैं क्या नहीं पहन रही हैं। लेकिन आपको खुद इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आप क्या चीज़ पहन के निकल रही हैं, एंड इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिए कि आपके पहनावे को बहुत ज़्यादा लोग जज करते हैं और वो करते रहेंगे। आप चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन वो करते रहेंगे। आपके पहनावे को हर इंसान जज करेगा, क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी ही ऐसी है। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज जो भी इस वीडियो में कहा है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कहा है और आप लोगों की भलाई के लिए ही कहा है। क्योंकि कई बार लड़कियां जब इस तरह के पहनावा पहन करके बाहर निकलती हैं तो लोग कमेंट करने के साथ साथ में उनके साथ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जिनकी वजह से आगे चल के उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने पहनावे को चेंज कर लेती हैं और आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाती हैं तो क्या इसमें आपका चला जाएगा? एक ट्रेडिशनल परिधान पहन करके भी आप मॉडर्न बन सकती हैं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से।
तो क्यों नहीं आपको ट्रेडिशनल परिधान पहनने की आदत हो रही है, क्यों आप चाहती हैं कि आप फॉरेन कंट्री की तरह आप आधे कपड़ों में घूमें रोड पर। हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे लड़कियां आधे आधे कपड़ों में नाच रही हैं, रील्स बना रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, ये सब क्या है? सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए अगर आप ऐसा करती हैं, अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हैं, तो इसमें कौन सा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं? उन वीडियोस के नीचे के जो कमेंट्स होते हैं उनको कभी आप पढ़ के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी गालियाँ आपको मिलती हैं आपके पहनावे को लेकर के, आपके रोड पर खड़े होकर डांस करने को लेकर के। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। अपनी इज्जत को नीलाम करने के बाद अगर आप कुछ व्यूज़ पा रही हैं, आप कुछ पैसे पा रही हैं, तो वो एकदम गलत चीज़ है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्या कर रही हैं, कब कर रही हैं, थोड़ा सोच समझ के करें तो बहुत अच्छा होगा। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे पहले होती है और उसके बाद ही कुछ होता है। इसलिए सबसे पहले अपने और अपने परिवार की इज्जत को बचाना सीखिए। अगर आपको वीडियोज़ या रील्स बनाने का इतना ही शौक़ है ना, तो कुछ अच्छा बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि समाज का भी भला हो, आपका भी भला हो और आपके परिवार वालों का भी भला हो। अगर कल को कोई देखे उस वीडियो को या फिर उस रील्स वीडियो को, तो लोग ये ना कहें कि नहीं ये इनकी बेटी है और ये इस तरीके से रोड पर खड़े होकर नाच रही है। आपको लोग भद्दे भद्दे कमेंट करने की जगह आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। तो मैं यही आपसे आज कहना चाहती थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें एंड साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मैंने जो आपको आज बात बताई है वो गलत है या फिर वो सही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहती हूँ कि आप सबकी इस चीज़ में सहमत हो। अगर आप सहमत हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड अगर आप असहमत हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।